हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अब यहाँ से, क्योंकि बेंगलोर से निकलना है कोलकाता के लिए और मैं अपना होटल का बिल पे करने के लिए नीचे आया हूँ, तो मेरे पास है US डॉलर्स। तो होटल में तो खैर उसका रेट कोई डिफरेंट होता है। अब मैं एक फॉरेन एक्सचेंज जा रहा हूँ यहाँ बेंगलोर में, और पाकिस्तान में डॉलर का रेट क्या है वो आपको मालूम है, इंडिया में डॉलर का रेट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपके सामने डॉलर चेंज करवाता हूँ आज। सो करेंसी चेंज करवाने के लिए मैं दोबारा चर्च स्ट्रीट वापस आ गया हूँ। मुझे एयरपोर्ट की तरफ भी फटाफट निकलना है। मैंने अभी गूगल पे चेक किया है, 83 डॉलर का रेट आ रहा है इंडिया में, 83 रुपये, 83 रुपीज़। अब ये पता नहीं सेलिंग का रेट था कि बाइंग का रेट था, ये मुझे नहीं अंदाज़ा, क्योंकि मैं इस कामों में ज़रा इतना जो है ना वो एक्सपर्ट नहीं हूँ। और पाकिस्तान का मैंने गूगल करके डॉलर का रेट चेक किया, 278 रुपये। कहाँ 278 और कहाँ 83। तो ये कंपैरिजन है डॉलर का, क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर जो है वो जो मार्केट के अंदर माफिया बैठा हुआ है वो डॉलर के रेट के साथ ना खेलता है, क्योंकि वो अपने पैसे रखते हैं डॉलर के अंदर और अपनी करेंसी बाहर रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये तो नहीं है, तो अपनी करेंसी वो रखते हैं डॉलर्स में, तो वो रेट आगे पीछे मार्केट में जब करते हैं उसके, तो इनके ना बड़े बड़े पैसे बढ़ जाते हैं। सो जो यहाँ इंडिया में भी सुनते हैं काला धन सफेद कैसे किया जाता है, या ये वाला धन कैसे होता है, तो ये साइंस उधर भी है। और सबसे बड़ा जुल्म ये करते हैं, क्योंकि आप डॉलर के रेट के साथ खेलते हैं, इनके पैसे बढ़ जाते हैं और चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब यहाँ 83 रुपये का डॉलर गूगल पे आ रहा है, अब मुझे मिलता कितने में है ये मैं अभी देख रहा हूँ। टाइम बड़ा शॉर्ट है मेरे पास, और मैं किसी फॉरेन एक्सचेंज की शॉप पे जाके तो चेंज करवाना चाह रहा हूँ फटाफट। 278 और 83 का रेट आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान का, 278 और इंडिया में 83 रुपये, 83। दोस्तों ये मेरे पास $500 हैं, ठीक है, और मैं ये चेंज कराने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे फटाफट एयरपोर्ट की तरफ भागना है, और उस्मान साहब की मेरी फ्लाइट है कोलकाता के लिए। तो अब हम आए हैं यहाँ पर डॉलर चेंज कराने के लिए, तो अब मैं डॉलर चेंज कराने के लिए फॉरेन एक्सचेंज के ऑफिस बैठा हूँ। तो जो मैं इनसे डील करता हूँ कि देखते हैं कितने में ये डॉलर जो है ना इंडिया में डॉलर का रेट क्या है, अभी आप सबको पाकिस्तानियों को अंदाजा हो जाएगा। सो मैं आ गया हूँ सर जी, ये $500 पकड़िए, गिनती कीजिए, ये अंकल सरगम अमरीका साहब के डॉलर हैं। मुझे बताएं रेट क्या दे रहे हैं आप हमें? 84 सर। 84, वेरी गुड। 83 तो गूगल पे आ रहा था, 84 हमें रेट मिला है। अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान में 278 रुपये का डॉलर है, 300 भी हमारे यहाँ ट्रिपल सेंचुरी मार रहे, तो यहाँ डॉलर का रेट ऊपर नीचे कितने अरसे में होता है? वो मतलब एवरीडे चेंजेस होता रहता है। नहीं लेकिन कितना फर्क कितना पड़ता है, 1 रुपया, 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, कितना रेट आगे नीचे गिरता कितना है यहाँ? 20 पैसे 30 पैसे उतना ज्यादा नहीं है, डॉलर में कोई उतना डिफरेंस नहीं होता है। और ये जो 84 है या 83 है, अगर अभी अगर डिमांड ज्यादा डॉलर हो जाएगा 85-86 भी चला जाता है, डिपेंड करता है मार्केट पे, मार्केट कैसे। क्योंकि मैंने जिस दिन बॉर्डर क्रॉस किया था, मैंने जैसे उस दिन 87 रुपीज था, मैंने अमृतसर एक रोड से 87, इसलिए 89 भी रेट था, 89 भी था दो महीने पहले, 89 भी रेट था, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड करता कैसा है, लेकिन रहता इसी 80-80 के अंदर ही है। ऐसे ही है, मार्केट में जब करेंसी ज्यादा आता है तो अगर कोई बाहर नहीं जाता है तो रेट ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है। ओके, तो सुन लिया आपने भजन, आप इंडिया के अंदर जो रेट है, आप ये हमारे मेरे पैसे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने होटल का बिल पे करना है और सारे पैसे मेरे खर्चे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि एक्चुअली डॉलर्स का रेट आपको बेसिकली बताना था। अब डॉलर का रेट जो है ना वहाँ यहाँ पर है 84 रुपये, और ये है इंडियन करेंसी, ये हमें उसके बदले मिल रही है। तो भाई जान 278 रुपये पाकिस्तान में रेट, यहाँ ब्रिटिश पाउंड का रेट क्या है? ब्रिटिश पाउंड प्राइवेट में जाता है 105, एक्चुअली रेट है 102, 102 रुपये का, 102 रुपये पाकिस्तान 350 से ऊपर है यार ये। सो ये देखें, ये रेट मिला है मुझे US डॉलर्स का इंडिया के अंदर, और ये हमें पैसे हमें मिल गए, अब हमने भागना है एयरपोर्ट की तरफ। सो बताने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स का रेट है, हमारे यहाँ जो डॉलर्स का जो फॉरेन करेंसी का माफिया बैठा है, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ अक्सर और मुल्क से बाहर जाते हुए जो डॉलर लेने जाता हूँ मुझे पता ही है हमारे से
टिकट मांगते हैं, वीजा मांगते हैं, पासपोर्ट मांगते हैं, आईडी कार्ड मांगते हैं, उसके बाद जाके ये हमें डॉलर्स देते हैं। और ये खुद क्या करते हैं कि ये बोरियों में पैसे भर के बाहर भेजते हैं और खुद ये डॉलर का रेट ऊपर नीचे करते हैं ये फॉरेन एक्सचेंज वाले, और इसमें बहुत बड़े 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 नाम लोग इन्वॉल्व हैं, और उससे क्या होता है कि मुल्क की इकॉनमी का ये नुकसान करते हैं। हाँ जी भाई, बेंगलोर में आपने चेक कर लिया रेट? वो सामने चर्च स्ट्रीट है और रेट मिला है 84 रुपये। तो 84 रुपये का जो रेट है भाई, उससे आपको आइडिया तो हो गया होगा कि करेंसी हमारे यहाँ, मुझे फिर मेरा दिल चाह रहा है गुस्से में बोलने का उन लोगों का कि जो फॉरेन एक्सचेंज का माफिया है। इमरान खान के ज़माने में डॉलर को लॉक लगा हुआ था, उन्होंने लॉक लगा के रखा हुआ था, ठीक है। बाद लोग कहते हैं कि जी वो गैर ज़रूरी लॉक था, अननेसेसरी लॉक था, फ्यूल का भी उसका भी। लेकिन भाई ये हमारे साथ वाला मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे सामने हमारे साथ आज़ाद हुआ है। यहाँ साला डॉलर 84 रुपये का है, अमरीकियों वाला डॉलर, और हमारे पास है 278 रुपये का। तो अब ये इनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हाथ तो डलेगा, ये जो फॉरेन एक्सचेंज में जो होते हैं SEC, पता नहीं कौन सा एक इदारा है पाकिस्तान का, वो भी एक दफ़ा सुना था कि उसका भी कोई चक्कर है बीच में। तो ये फॉरेन करेंसी जो बाहर जाती है उसको कंट्रोल करने फिर ये सिर्फ एक दफ़ा चाबी टाइट इनकी कर दी जाए तो ये डॉलर साहब जो है ना ये नीचे आ जाएंगे। वो फेक मार्केट है, उसके अंदर ये रेट को ऊपर नीचे मारते हैं, जिससे ये हाल हो जाता है हमारा कि हमें डॉलर मिलता है 278 रुपये में। यार गज़ब खुदा का, खुदा की कसम 84 रुपये का यहाँ पर डॉलर है। सो डॉलर का रेट मैंने आपको बता दिया है, चेंज करा लिया हमने डॉलर, और अब हम भाग रहे हैं अपने होटल, वहाँ से लगेज उठाने हैं और भाग जाना है हमने सीधा एयरपोर्ट की तरफ। सी यू गाइस।